जय हिंद। आज के समाचारों में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 4 की पार्षद नीति तलवार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संघर्ष वाही सह प्रमुख कृष्ण शर्मा ने कहा कि पार्षद तलवार के सहयोग से लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ऐसे में लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो इन सुविधाओं को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए इनका रखरखाव खुद करें, क्योंकि प्रत्येक इंसान को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी को खुद समझना होगा, जिससे नव भारत का निर्माण हो सकता है। गाँव अज्जोवाल होशियारपुर में चल रहे प्रोजेक्ट होम फॉर होमलेस के तहत गरीबों को पक्के घर बनाने की मुहिम में योगदान डालते हुए अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में रह रहे व्यवसायी मंजीत सिंह की तरफ से 2 पक्के घरों का निर्माण करने के लिए योगदान डाला गया है। इस दौरान होम फॉर होमलेस प्रोजेक्ट के संचालक समाज सेवक वरिंदर परिहार ने मंजीत सिंह और उनके परिवार का गरीबों की मदद के लिए धन्यवाद किया। आज 20 अगस्त को जिला होशियारपुर में सोनी कंपनी की तरफ से फोटोग्राफरों को कंपनी के नए उत्पादों की जानकारी देने हेतु एक समागम करवाया गया, मगर जिनके लिए यह कार्यक्रम रखा गया था उन्हें अंदर जाने से ही मना कर दिया गया, जिस कारण फोटोग्राफरों में रोष था। इस संबंधी बात करने पर पता चला कि हॉल में जगह भर जाने के कारण उन्हें एंट्री नहीं मिली। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ गुरजीत सोनू की रिपोर्ट। फोटोग्राफर भरा इकट्ठे हुए ने, कुछ अंदर ने जो भी एग्जीबिशन वर्कशॉप ले रहे ने, पर सानू सारे नु ही कॉल करके इत्थे बुलाया गया सीगा, जो भी एग्जीबिशन है इत्थे आके तुसी नवे कैमरे बारे नॉलेज लो। तो पर सानू ये नहीं दस्सिया भी 11 या 11:30 या 12 बजे तो बाद एंट्री नहीं होनी। असी जदों आए हूँ सारे अपने अपने कामों कोई दूर पारों आया, कोई जदों आए तो सानू इत्थे एंट्री नहीं दी गई। ज़्यादा सानू दस देंदे भी इन्ने लिमिटेड बंदे आ, इन्हां तों ज़्यादा बाद एंट्री नहीं मिलनी थानू, ज़्यादा कुछ तो दस्या हुंदा। पर हुण सारे अपने अपने काम छड्ड के आए ने, और गुस्सा इस चीज़ का है कि अगर असी अपना काम छड्ड गए तो सानू थोड़ा एंट्री तो देंदे ना, कुछ भी आ। जदों पेड सी इन्हां दी एंट्री पिछली बार एग्जीबिशन सी तां बहुत सारे लेट भी आए, तो उसने एंट्री देती। कहने मैसेज तो किया नहीं, बिच आया असं भी इतने आने के पता लगा भी 11 बजे इन्होंने बंद कर दिता, तो इतने लिखा ऑन वेलकम, तो वेलकम तो किया नहीं, उन्होंने हाथ जोड़ दिता साडे मोहरे सोनी वालों ने, कहते जा सकते भाजी हूँ बंद हो गया। पिछली बार इन्होंने पैसे भी ले, पर एक्चुअली चक्कर ये ना कि जे पैसे लेने सू पैसे एंट्री करा सा पैसे नहीं है, जैसे मैं आप प्रोडक्ट लै सकते सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप एंट्री भी करवा सकते हैं ना। इतने रोटी खाने थोड़ा आए हैं, जो रोटी खाने बंद स्पैशल साढ़े कड़ा घर रोटियां नहीं बनदियाँ, ठीक है ना। जो सोनी वाले ने सानू सत्या आ, ठीक है, तो सानू कम से कम सानू एंट्री तो कर देने जा, कोई टाइमिंग लिखन उपर इन्होंने 10:30 से 5 बजे तक लिखा है ना, उस सिर्फ ओपनिंग टाइम लिखा, क्लोजिंग टाइम तो लिखा नहीं है। जो क्लोजिंग टाइम तो वेकूफ आई टी चल के आए, अपना सारे काम छड़ के आ रहे हैं। इन्होंने यह कहा कि जी क्लास चली गई है जो कि दसिया पहला 10 कैमरे बारे जो वो बाद कुछ नहीं, जी अगली अगला अगर अभी दसना वो तो अभी सुन सकते हैं। एक नहीं कहे इतने रोटी खाने तो आए हैं, जिनी क्लास अद्धे घंटे की घंटे तो है वो अभी करेंगे टाइम, लेकिन इन्हों का एक बंदा साढ़े गलत बोलिया, असं कहा कि असं अपनी दुकान छड़ के आए, शॉप छड़ के आए, काम छड़ के आए। वो बंदा अगो कहता सानू कि असं भी अपने बच्चे स्कूल छड़ के आए, मैं उन्होंने यही किया कि जे तू बच्चे छड़ के आए तू भी कंपनी वाले कंपनी लगा, कंपनी तनखा दें इस काम लिए, इस काम लिए तनखा दें, तुम सूँ दसना है, थोड़ा दसना फर्ज बनता है, ये असं उन्होंने जरूर मैं किया। जी सोनी की वर्कशॉप चल रही है, सानू भी इतने इनवाइट किया गया, तो असं भी अपने टाइम के अनुसार, चलो अजक तुम पता ही है मौसम कितना चल रहा है, मीह कणी का मौसम है, चलो अज मौसम तो चलो करके आप भी घर का टाइम जिन्ना भी कढ़ के असी वर्कशॉप से आए हैं, मैं भी सोनी का कैमरा लिया, आप सोनी के कैमरे यूज़ करते, सानू ही नहीं अंदर एंटर होने दे रहे हैं, तो बाकी किसी ना कोई क्लास सीखन आता है, कोई हरेक अपने अपने इतों कुछ सीख के एक लैके जाता है, कैमरा लैके जाता है, पर लेकिन साढ़े ना पहली बार होया कि जो सा इदा सोनी कंपनी साढ़े ना वितकरा इदा कर रही है, मैनू ये तो बहुत औखा है, मैं तो अज तो बाद सोनी कैमरा ही रिजैक्ट कर दूंगा कि मैं फंक्शन नहीं करूँगा। मेरी कल अजय गुप्ता जी ने गल हुई सी, उन्हें सोनी का कैमरा Alpha 7 R3 कैमरे की गल हुई सी, 1,42,000 की गल हुई सी। मैं उन्होंने कल कल कहा भी कि मैं कल एग्जीबिशन पर आना आ, तो मैं अज 5 मिनट लेट हो गया, मैनू उन्होंने एंटर नहीं किया, क्योंकि अज तो बाद ना मैं सोनी का कैमरा लवागा ना सोनी का कैमरा वरतागा, ठीक है जी, मैं कैनन का ही लवागा। हूँ मेरा नाम विनय पाई है, मैं ASM हूँ सोनी कैमरा डिवीजन का, पंजाब चंडीगढ़ हिमाचल और JNK देखता हूँ। आज हमारी यहाँ पे होशियारपुर में वर्कशॉप है अल्फा की, और लक्ष्य चावला जी यहाँ पर आए हैं, और हमने होशियारपुर में फोटोग्राफी डे वाले दिन तो हम करना चाहते थे वर्कशॉप, पर वो हो नहीं पाया और बारिश हो रही थी, तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे हॉल भी बुक किया था, और हमने पहले से मैसेजेस डाल दिए थे ग्रुप्स में कि 10:30 बजे तक आप लोगों को आना ज़रूरी है यहाँ पर। तो बहुत सारे फोटोग्राफर भाई अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए भी, 10:30 बजे तक पहुँच गए, 11 बजे तक पहुँच गए मैक्सिमम, पर जैसे ही हमारा हॉल फुल हो गया हमने उनको बोल दिया था कि भाई अब एंट्री क्लोज है, तो उसके बाद भी कुछ लोग आ रहे थे, बट
अब हमारे पास जब जगह ही नहीं है तो हम उनको नहीं बिठा सकते, तो हमने क्लियरली उनको पहले से बता रखा था, ग्रुप्स में सब जगह मैसेज थे कि 10:30 बजे आना जरूरी है, बट फिर भी कई लोग 12:30 बजे आए हैं और 12:30 बजे आने के बाद उन्होंने कहा है कि हमारे को एंट्री चाहिए। ये वर्कशॉप हम कम से कम नहीं तो 5 साल में पिछले 200 वर्कशॉप कर चुके होंगे, और पंजाब में अगर आप पता करेंगे तो हमारी जो वर्कशॉप होता है उसमें इट्स जस्ट लाइक अ क्लास, एक क्लास जब शुरू होती है तो अगर उसमें से अगर शुरू का कुछ मिस हो गया तो आप बाद का समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए बहुत लोगों को वर्कशॉप अटेंड करने का टाइम पता होता है, वो टाइम शुरू होने से पहले आ जाते हैं हमेशा, तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एज अ कंपनी वी ऑलवेज वेलकम फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स, और हम उन्हीं की सेवा के लिए ये सारी वर्कशॉप्स करते हैं जगह जगह पे जाके, तो अगर आज ऐसा कोई माहौल बना है जिसकी वजह से उन लोगों को कोई तकलीफ हो रही है तो ये एक गलत है, बट एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहूँगा कि अगली बार से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और हम और लोगों को ये बोलेंगे कि टाइम से रजिस्टर करें ताकि उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मंडल कार्यालय में शाखाओं के कार्य निष्पादन व राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उनके अनुकूलता की समीक्षा करने के लिए आधार स्तर पर परामर्श प्रक्रिया का पहला चरण आयोजित किया गया। बैठक में शाखाओं को स्वयं अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने, बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने तथा भावी रणनीति और आगे बढ़ने के तरीकों के बारे विचार किया गया। टांडा के गाँव रलहन में भाई कन्हैया सेवा समिति की तरफ से एक समागम करवाया गया। इस दौरान समिति की ओर से 6 जरूरत लोगों को ट्राई साइकिल भेंट करते हुए समाज सेवी मिशन की शुरुआत की गई। इसके साथ ही समाज सेवी कार्यों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। SI गुरप्रीत सिंह थाना मेहटियाना ने जानकारी देते हुए बताया कि SI जरनैल सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर नशा बेचने का काम करने वाले राकेश कुमार वटोनी मसीह पुत्र डैनियल मसीह निवासी गाँव खनोड़ा थाना मेहटियाना के घर छापामारी करके 19.15 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी राकेश कुमार वटोनी मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी कॉलेज होशियारपुर में आज 20 अगस्त को करीब 2 बजे उस समय तनाव एवं अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया जब शहर के किसी अन्य कॉलेज के युवकों ने कॉलेज परिसर में घुसकर एक छात्र पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में छात्र को सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने इस संबंधी बनती कार्रवाई शुरू कर दी थी। युवक की पहचान आकाश डोगरा पुत्र हरजिंदर सिंह डोगरा निवासी रहीमपुर के तौर पर हुई है। थाना सिटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दड़ा सट्टा लगाने का धंधा करने वाले रजत पुत्र स्वर्गवासी धर्मपाल निवासी मेटी बाजार मोहल्ला घैया को काबू करके मामला दर्ज कर लिया है। मुकेरियां BDPO कार्यालय में पिछले काफी दिनों से चले आ रहे विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों ने मामले की जांच करके आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अतिरिक्त जिलाधीश अमृत सिंह को एक मांग पत्र सौंपा है। इस संबंधी अतिरिक्त जिलाधीश अमृत सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है तथा जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। साडा अज इत्थे आउण दा मकसद ये है भाई, साडी भैणा अंजू बाला ये नाल जिहड़ा हीरा सिंह BDPO जिहड़े मुकेरियां ने उन्होंने जो इन्हां नाल मतलब हरकतां कीतियां ने वह बिल्कुल ही निंदण योग ते इंसानियत दा घाण करन वालियां ने, ते अज असीं भैण अंजू बाला नूं इंसाफ दिवाउण लई अज इत्थे मानयोग ADC D साहब दे पेश होण लई आए हां। वह कहिंदे जी असीं इनकुआयरी कर रहे हां, बिल्कुल तत्थां दे आधार ते जो सच होगा असीं उह सच दे आधार ते इनकुआयरी करांगे जी, ते जो रिपोर्ट होगी बिल्कुल सच्ची सुची देंगे। साडे नाल सांझा मुलाजम मंच पंजाब ते UT तकरीबन साड़ियां सरकारी 40 जथेबंदियां ने सानू समर्थन दिता पूरे पंजाब ते चंडीगढ़ दे विचों, भी वह कहिंदे भी जे कल नूं साडी लोड पैंदी आ साडे डिपार्टमेंट दे नाल नाल साडियां सरकारी 40 सरकारी जथेबंदियां साडे नाल सहयोग देण लई तैयार ने, ते उह जिहजा भी फिर कल नूं जे कल नूं कोई मान लो कोई उन्नीकी हुंदी आ जां भैण अंजू वाला नूं इंसाफ नहीं मिलदा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਦਮ ਬਣਨਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ADC ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣਗੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ BDO ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ BDO ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਪ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੰਡਰ ਵੇ ਹੈ
जो कंप्लीट होएगी उस तो बाद ही एक्चुअली उसका की नतीजा निकलता है वो पता लग सकेगा। शिव मंदिर विकास समिति की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्राचीन शिव मंदिर भूतगिरी ऊना रोड होशियारपुर में 24 अगस्त दिन शनिवार को राज जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। पंडित श्याम ने बताया कि रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर निवासी उपस्थित होकर भगवान कृपा प्राप्त करें। वातावरण को शुद्ध रखने तथा उसकी संभाल करने को लेकर यूथ फॉर एनवायरमेंट इस्लामाबाद द्वारा प्रत्येक सप्ताह की तरह इस बार मोहल्ला शांति नगर में पौधारोपण किया गया, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी इलाके के फैक्ट्री मालिक भूपिंदर सिंह ने ली। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज होशियारपुर की तरफ से द्वाबा जोन पंजाब के भावादस प्रधान सुरेंद्र पाल भट्टी व अनिल हंस की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने जिलाधीश ईशा कालिया के साथ भेंट की। समूह भाईचारे ने एक निजी चैनल द्वारा एक धारावाहिक में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले लेखक तथा निर्देशक पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। वहीं दसुहा में भी प्रसिद्ध समाज सेवक कृष्णदेव खोसला की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी ने धारावाहिक को बंद करवाने तथा निर्देशक लेखक एवं कलाकारों पर मामला दर्ज करने की मांग की। छात्रों में नेतृत्व की भावना विकसित करने के लिए और उन्हें प्रशासनिक कार्यों से जोड़ने के लिए SVJC DAV पब्लिक स्कूल दसुहा में छात्र प्रतिनिधि सभा का साक्षात्कार कर योग्यता के आधार पर चयन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य ने चयनित छात्रों को शुभकामनाएं दी। सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल ऊना रोड होशियारपुर में अक्षय ऊर्जा दिवस पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में अंतर हाउस ड्राइंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने अपनी ड्राइंग द्वारा ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया। मैरीलैंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आलमपुर में बड़े इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ संदेश देने व पर्यावरण बचाने संबंधी जागरूकता रैली निकाली। गांव झिंगड़ कला निवासी हरप्रीत सिंह, जिसकी लेबनान में मृत्यु हो गई थी, उसके परिजनों ने भाजपा के पूर्व सांसद व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना से हरप्रीत के पार्थिव शरीर को भारत मंगवाने की गुहार लगाई थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए श्री खन्ना के प्रयासों से हरप्रीत के शरीर को सरकारी खर्चे पर भारत लाया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी होशियारपुर की तरफ से जिला प्रधान डॉक्टर कुलदीप नंदा की अगुवाई में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी राजीव गांधी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर पौधारोपण मुहिम चलाई गई और जिला कांग्रेस कार्यालय के समक्ष पौधे व लड्डू बांटे गए। इस दौरान डॉक्टर नंदा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी और तकनीक के द्वार खोले थे, जिसके चलते आज भारत कंप्यूटर एवं अन्य तकनीकी क्षेत्र में विश्व में अपनी पहचान बना पाया है। वहीं हल्का चब्बेवाल में भी भारत के छठे व सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गवासी राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा कायम रखते हुए डॉक्टर राजकुमार विधायक चब्बेवाल ने कांग्रेस कार्यालय में अपने साथी वर्करों और पदाधिकारियों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आर्मी छावनी ऊंची बस्सी में ट्रेड्समैन भर्ती व लेबर भर्ती में धोखाधड़ी के 2 दर्जन से अधिक मामलों का आंकड़ा पार करते हुए एक और नए मामले का खुलासा हुआ है। नौकरी हासिल करने वाले युवक को आर्मी डिपो ऊंची बस्सी के लेफ्टिनेंट कर्नल रवि कुमार विश्वनाथ ने पकड़ कर दसुहा पुलिस के हवाले कर दिया है। कर्नल रवि कुमार विश्वनाथ ने बताया कि यूपी निवासी आरोपी युवक ने प्राथमिक प्रक्रियाएं किसी अन्य युवक जो कि उसके साथ मिलता जुलता था से पूरी करवाकर नियुक्ति हासिल करके आया था, जिसका प्राथमिक प्रक्रिया बायोमेट्रिक मंगवाने पर उसकी पहचान मैच नहीं हुई, जिसकी पूछताछ तथा पुष्टि के बाद दसुहा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। होशियारपुर के हल्का चब्बेवाल विधायक डॉक्टर राजकुमार ने भारी बारिश के कारण कंडी इलाकों व चौ में बनी बाढ़ जैसी स्थिति का जायजा लेते हुए लोगों को विश्वास दिलाया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर जल्द नुकसानी की सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन स्थिति को बेहतर से बेहतर कंट्रोल करने की और आम जनता को परेशानी से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। आज के समाचारों में बस इतना ही, कल तक के लिए मुझे दे इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।